दोस्तों आज का मैच बेहद ही शानदार था, बहुत ही रोमांचक था। बता दें कि पंजाब किंग्स आज का मैच जीत गई है और मुंबई इंडियंस आज हार गई है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से आज का हीरो कौन था। हम आपको इस वीडियो में आज के मैच की पूरी हाइलाइट्स बताने वाले हैं। बता दें कि आज मुंबई इंडियंस का बहुत ही ख़राब दिन था और पंजाब किंग्स का बहुत ही अच्छा, क्योंकि पंजाब किंग्स ने पूरा स्कोर सिर्फ 3 प्लेयर्स की बदौलत पूरा कर लिया। केएल राहुल, क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल। आपको बता दें केएल राहुल ने आज अर्धशतक भी ठोक दिया। हालांकि रोहित शर्मा ने भी आज 50 से ऊपर बनाए हैं, अर्धशतक ठोका है, लेकिन आज उनकी टीम मैच नहीं जीत पाई। स्कोर भले ही पंजाब के बल्लेबाजों के सामने ज़्यादा नहीं था, लेकिन दोनों ओपनरों कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के इरादे पावर प्ले में ज़रूर पूरी तरह से साफ थे। पर स्ट्रेन बोल्ड का पहला ओवर ज़रूर खामोशी से भरा रहा, जिसमें एक रन आया, लेकिन कुणाल पांड्या के अगले ओवर में 2 चौके राहुल ने जड़े तो आखिरी गेंद पर मयंक ने छक्का जड़कर ओवर से 15 रन बटोर लिए। तीसरा ओवर लेकिन बुमराह तो आए तो राहुल ने उन्हें भी 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर हवा हवाई बना दिया। बता दें कि पंजाब किंग्स ये मैच 9 विकेट से जीती है। स्कोर कार्ड की बात करें तो आज मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए। सबसे अच्छा सिर्फ रोहित शर्मा ने खेला है। रोहित शर्मा ने 63 रन बनाए 52 गेंद पर, जिसमें से 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। सूर्य कुमार यादव 33 रन बनाए 27 गेंदों पर। सूर्य कुमार रोहित की अच्छी जोड़ी जमी और बाकी खिलाड़ी बहुत ही बुरा खेले। पंजाब किंग्स के बारे में आज बताएं तो क्या ही इन लोगों ने, मतलब 3 प्लेयर्स ने पूरा का पूरा स्कोर रीच कर लिया। केएल राहुल ने 60 रन बनाए, मयंक अग्रवाल ने 25 और क्रिस गेल ने 43 रन। दोस्तों आज MI यानी कि मुंबई इंडियंस बहुत बुरी तरह हारी है, 9 विकेट से हारी है और पंजाब किंग्स ने उन्हें बहुत बुरी तरह से हराया। सिर्फ 3 प्लेयर्स ने पूरे स्कोर रीच कर लिया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज का मैच कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।